कल्पतरु रेडियंस का 4 BHK का प्रॉपर्टी मैं शो कर रहा हूँ। एक बार घर बैठे आप ये प्रॉपर्टी देख लें, फिर ख़रीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें इन्होंने फ्लोरिंग जो दिया है ना, वो मार्बल फ्लोरिंग दिया हुआ है, अलग ही दिया हुआ है। नॉर्मल फ्लैट्स में विटिफाइड टाइल्स दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग दिया हुआ है। साथ ही साथ 5 से 6 फुट चौड़ी बालकनी दिया हुआ है, और यहाँ से आपको हायर फ्लोर से जो मैंने आपको दिखाया व्यू, वो गोराई का व्यू आपको मिलता है, पगोड़ा का व्यू मिलता है। मैं आपको एक साइड से पूरे हॉल दिखाता हूँ। इसकी लेंथ कैमरे में तो आप देख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं वो पता नहीं, एक्चुअल आप देखें तो समझ में आएगा। 2150 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है, 2150 अप्रॉक्सीमेटली इसका कारपेट एरिया है, और 6 से 7 करोड़ के बीच में इसकी प्राइस जाता है, 5.5 से 6.5 करोड़ के बीच में। और ये इसका वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है, एल शेप में बड़ा किचन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। एज इट इज़ जो फ्लैट आप देख रहे हैं ना, इस तरह ही आपको डिलीवर करके दिया जाएगा। स्टार्ट में जब आप, मैंने दिखाया नहीं आपको, एक बेडरूम दिया हुआ है एक अलग से सर्वेंट के लिए, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे दो, यानी कि एक फैमिली सर्वेंट की कपल्स रह सकते हैं या दो लोग रह सकते हैं, ड्राइवर हो, सर्वेंट हो, मेड हो। ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा एक जगह यहाँ पे भी बालकनी टाइप में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज या एक्स्ट्रा लगेज कुछ हो घर का तो वो आप रख सकते हैं। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसके किचन तो मैंने आपको दिखाया, पहले मैं राइट हैंड साइड पे 2 बेडरूम है और सामने 2 बेडरूम है, तो मैं राइट हैंड साइड का बेडरूम दिखा देता हूँ किस टाइप का है, वो आप देख लें। ये 2 इसका मास्टर बेडरूम है। हॉल में बड़ी बालकनी दी हुई है, बाकी बेडरूम्स में आपको छज्जा मिल जाता है। क्योंकि वीडियो फ्लैट काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, तो थोड़ा मैं आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। एक्चुअल तो आप परचेस करेंगे, आके देख के ही परचेस करने वाले हैं। ये आपको एक बेडरूम मैंने दिखाया, अब दूसरा बेडरूम मैं दिखाता हूँ, जो सबसे बड़ा बेडरूम है वो आप देख लें। यहाँ से आप जब एंटर करते हैं तो वॉक इन वार्डरोब चाहे तो बना सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और सामने आपको सबसे पहले वॉशरूम मिलता है, बाथ एरिया कांच के अंदर है, बाहर कमोड एंड वॉश बेसिन एरिया है, उसके बाद सबसे बड़ा बेडरूम है ये। तो बेडरूम की साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 13 बाई 14 लगभग बेडरूम का साइज है, 12.10 बाई 13.11, 1-2 इंच के फर्क, 13 बाई 14 का इसका बेडरूम का साइज है। और ये रेडी टू मूव ओसी के साथ देने वाले हैं, ओसी बिल्डिंग की आ चुकी है, प्रॉपर फिनिशिंग में 1-2-3 महीना जाएगा, और काफ़ी दिन से इसका ओसी का ये चल रहा था, तो लॉकडाउन के बाद तो अभी इसका ओसी आ गया है। 31-31 माले का 4 टावर, और अब इसका ये कॉमन वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं, कॉमन वॉशरूम बोल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये इसका 3rd बेडरूम दिखा रहा हूँ। 2 बेडरूम तो आपने राइट हैंड साइड पे देखा है, 2 बेडरूम जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका पैटर्न कैसा है वो आप देख लें। सबके बाथरूम्स और बेडरूम का पैटर्न थोड़े अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट है।
ये इसका थर्ड एंड दिस वन इज ए फोर बेडरूम एंड फोर्थ बेडरूम इज ए कॉमन बेडरूम। इसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिल रहा है, इसमें भी छज्जा आपको मिल जाता है। व्यू देखें तो चारों साइड से आपको ओपन व्यू मिलता है और आसपास में ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आने का। तो ये मैंने आपको 4 BHK का दिखाया, जो एज इट इज़ आपको ये सब माइक्रोवेव ओवन वगैरह मॉड्यूलर किचन चिमनी वगैरह साथ में आपको मिलता है, तो अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। ये आप हम बाहर जाते हैं।